नमस्ते दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र राजीव नाथ आपके साथ वापस आज। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में, जो कि हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया था, उसमें वो पार्ट 1 था और उसका टॉपिक था क्यों सरकारें अपने टाइम से पहले जो है गिर जाती हैं। उसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हमने 2 सरकारों का किया था, एक केजरीवाल के 2013 वाली सरकार और एक देवेगौड़ा की 1996 वाली सरकार का हमने एनालिसिस किया था, जो कि हमने प्रिडिक्शन किया था और बताया था कि मेरा प्रिडिक्शन कैसे सही निकला था। उसका आपके सामने चार्ट्स डिस्कस करके हमने एनालिसिस किया था और हमने ये भी कहा था कि ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे उद्धव ठाकरे की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसकी जिंदगी हम कितना, उसकी अवधि हम क्या देखते हैं, क्या वो सरकार पूरे 5 साल चलेगी या बीच में वो गिर जाएगी। तो उसी तर्ज पे आज हमने ये देखिए, ये उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार का चार्ट हमने आपके सामने ये खोल रखा है। ये चार्ट टाइम ऑफ स्वेरिंग इन 18:43:20, 28/11/2019 के टाइम, स्वेरिंग इन टाइम, शपथ ग्रहण के टाइम से इस चार्ट को बनाया गया है। और मैं चूंकि ये हिंदी में कर रहा हूँ तो मैं इसको, इस चार्ट को मैं इंग्लिश वाले में, तो हमने साउथ इंडियन चार्ट से किया था, हिंदी वाले में मैं इसको ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली हिंदी के जो दर्शक होते हैं वो नॉर्थ इंडियन चार्ट को फॉलो करते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये नॉर्थ इंडियन चार्ट का, ये देखिए केपी में हम भाव चार्ट फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स के लिए, दृष्टियों के लिए हम राशि चार्ट को फॉलो करते हैं, अदरवाइज ये भाव चार्ट को हम फॉलो करते हैं। भाव चार्ट को अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा सा हम एनलार्ज भी कर दे सकते हैं, लिए एनलार्ज करके उसको साइज थोड़ा घटा देंगे हम, ये इसको हम थोड़ा श्रिंक कर देंगे, वो भी श्रिंक कर सकते हैं। ये देखिए अब काफी कुछ है, अब सामने साफ हो जाएगा। यहाँ ले आते हैं, ये देखिए ये आपके सामने ये चार्ट आ गया। देखिए इस चार्ट को अगर आप देखेंगे उसी तर्ज पे हम फिर डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं केपी के, लॉन्गविटी आयु निर्णय के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं पर हम इसको उसको भी जज करेंगे। देखिए इसमें हमने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स में आपको दिखाऊंगा। ये उद्धव ठाकरे की सरकार की चार्ट है, आप देखिए इसमें फर्स्ट कसपल सब लॉर्ड कौन है, क्या है फर्स्ट कसपल सब लॉर्ड, है मंगल, मार्स। मार्स देखिए, इस कर्सर को प्लीज फॉलो कीजिए। ये कभी कभी थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से लोगों ने कंप्लेन किया है कि कर्सर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कर्सर कहीं रह जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग के कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवे मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए फर्स्ट कसपल सब लॉर्ड ये मंगल है, मंगल है। और साथ ही साथ हम पहले ही देख लेते हैं मंगल क्या किसी और कस्ब का सब लॉर्ड भी है, तो अगर नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए ये सातवें भाव का भी जो है ना, मंगल सेवंथ कस्ब का भी सेट लॉर्ड सब लॉर्ड है, उप नक्षत्र स्वामी जिसको बोलते हैं। तो देखिए हमने ये तीसरा चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, 2 चार्ट हमने डिस्कस किए देवगौड़ा के और केजरीवाल, उसमें भी देखिए कोइंसिडेंस आप देखिए कि फर्स्ट कस्प सब लॉर्ड जो था वो दोनों, उन दोनों चार्ट्स में भी जो है ना सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई कर रहा था। तो सेवेंथ हाउस क्या होता है, सेवेंथ हाउस मारक स्थान माना जाता है। जिस भी चार्ट में फर्स्ट कस्प सब लॉर्ड मारक स्थान और बाधक स्थान को सिग्निफाई करता है उसमें हम कहते हैं कि आयु पूर्ण आयु नहीं है। अगर एट द सेम टाइम अगर वो कस्पर सबलॉट स्ट्रॉन्गली जो है ना वो
लाइफ गिविंग हाउसेस फर्स्ट और थर्ड और एर्थ को नहीं सिग्निफाई करता, और एर्थ की कहानी कुछ और है, वो हम कभी और डिस्कस। फर्स्ट और थर्ड को नहीं सिग्निफाई करता है स्ट्रांगली, और सिर्फ मारक और बाधक स्थानों को सिग्निफाई करता है। तो हम कहते हैं कि ये मंगल, ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड छोटी आयु देता है, तो यही केस इसमें भी है। देखिए सेवेंथ को बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण आयु तो इस सरकार को नहीं मिल रही है, ये हम इस निर्णय पर स्ट्रेट अवे पहुंच सकते हैं। और भी कुछ सिग्निफिकेशंस हैं, हम सिग्निफिकेटर टेबल्स खोलेंगे। मार्स मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का भी सिग्निफिकेटर है, फर्स्ट हाउस का भी सिग्निफिकेटर है, इसलिए अभी तक सरकार गिरी नहीं है। केजरीवाल की सरकार के तहत तुरंत वो गिर नहीं गई है, ठीक है, तो इस वजह से सरकार चल रही है, लेकिन डमाडोल है, जैसा आपको पता है सरकार जो है डमाडोल है। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें इसमें ये लग्न कौन, लग्न क्या है, लग्न है एरीज, एरीज लग्न, सॉरी टॉरस लग्न है। तो टॉरस लग्न का क्या मतलब होता है, फिक्स साइन है, तो नौवां स्थान जो होता है वो बाधक स्थान है। अब मंगल की आप देखिए, मंगल कहाँ है, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, एक दो तीन चार। मंगल की दृष्टि जो है अगर आप राशि वाइज हाउस वाइज काउंट करेंगे तो चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पर आकर के नवम भाव पर पड़ती है, 14 डिग्री का नवम भाव है। मंगल 12 डिग्री पर बैठा है, बहुत क्लोज एस्पेक्ट है नवम भाव को। नवम भाव जो है इस कुंडली में बाधक स्थान है। तो हम किस निर्णय, क्या निर्णय पर हम पहुंचते हैं, फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मंगल सेवेंथ हाउस को, मारक स्थान को और नाइन्थ हाउस, दोनों से स्ट्रॉन्ग उसका कनेक्शन है। फर्स्ट हाउस से भी कनेक्शन है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट हाउस, चूंकि ऐसा हमने डिस्कस किया कि देखिए, अब मैं इस पर फिर से वापस आ जाता हूँ। फर्स्ट हाउस सब लॉर्ड, देखिएगा कर्सर को फॉलो कीजिएगा, फर्स्ट हाउस सब लॉर्ड मंगल इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस मारक स्थान को भी सिग्निफाई करता है, लेकिन क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों वीडियो में, तीनों वीडियो में मैं रिपीट कर डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को। अगर अगर कोई ग्रह किसी भी सब लॉर्ड, किसी भी कस्प का सब लॉर्ड होता है, तो वो उस कस्प को सिग्निफाई फुली करेगा अगर उसके स्टार्स में, यानी कि उसके नक्षत्र, उसके तीनों नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो ये अब आप ऊपर प्लैनेटरी पोजीशंस वाले इस पर आ गए हैं, देखें ये स्टार लॉर्ड कॉलम है, स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र स्वामी, देखिए ये नक्षत्र, यहाँ मंगल कहीं नहीं आ रहे हैं, तो मंगल के नक्षत्रों में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो मंगल हैज फुल स्वे ओवर सेवेंथ हाउस, बहुत स्ट्रांगली मंगल जो है ना सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई करता है। तो इसकी कहानी तो बिल्कुल लिख गई एक तरह से, ठीक है, कहानी लिख गई सेवेंथ फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का कनेक्शन जो है सातवें से और नौवें से एस्टैब्लिश हो जाता है विदाउट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द फर्स्ट एंड द लाइफ गिविंग हाउसेस, ठीक है। और भी है, और भी देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद करना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये जो है ना, ये मुझे वो टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स नहीं खोलने देगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ये थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, इनको भी नीचे ले जाओ। देखिए यही है, यही है जो हम लोग देख रहे थे, टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स खोल देते हैं। और देखिए ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेट्स, मंगल फर्स्ट हाउस हमने बताया सिग्निफाई करता है, गुड, अच्छी बात है, जीवन देता है, जीवन दान कुछ देता है, प्रदान करता है। लेकिन यहाँ देखिए, आइए आप ये नीचे देखिए, ये ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस जो है, ट्वेल्थ हाउस आपको मालूम है, ट्वेल्थ हाउस बारहवां घर जो है दुष्ट ग्रहों में से दूसरा नंबर आता है उसका, आठवां सबसे दुष्ट माना जाता है, बारहवां सेकेंड माना जाता है। मंगल इज द ओनली एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द ट्वेल्थ हाउस। मैं बीच बीच में इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, अभी हमने इसके पहले इंग्लिश वाला वीडियो इसमें लॉन्च किया था, उसमें मुझसे एक गलती भी हुई है, अगर आप दोनों को फॉलो करेंगे कुछ बोलने में, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा आपके सामने। देखिए मंगल ट्वेल्थ हाउस का भी यहाँ जो है बारहवें भाव का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, ठीक है ना, तो इसीलिए कहानी तो, और सातवां तो हमने देख ही लिया, मंगल
मंगल के नक्षत्र में जो है कोई ग्रह नहीं है, तो सातवां और बारहवें को बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है मंगल। फर्स्ट को भी सिग्निफाई करता है, बट सेवेंथ और इट इज ऑल्सो सब लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस, और इसके नक्षत्र में जो है कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो सातवें का बारहवें का बहुत स्ट्रांग सिग्निफिकेट है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। और ये देखिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर भी लाऊंगा। बहरहाल मैं इसको नोट्स में मंगल के और सिग्निफिकेशन हम देख लेते हैं। मंगल बैठा है किसके नक्षत्र में? मंगल बैठा है, देखिए यहाँ पर मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये देखिए, ये कर्सर को फॉलो कीजिएगा, धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। ये मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में। राहु के सिग्निफिकेशंस क्या है, मैं पूरे डिटेल में एक एक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पर एक घंटे का हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहती है देखने की उसको। राहु के नक्षत्र में मंगल बैठा है। राहु सिग्निफाई करता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 5, 7, 6, 8, 11, ठीक है। फर्स्ट हाउस हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड को सिग्निफाई करता है, सेवेंथ को सिग्निफाई, 6 को सिग्निफाई करता है। दीज आर ऑल डेथ गिविंग हाउसेस। सिक्स्थ इज आल्सो बैड, ट्वेल्थ इज बैड। सिक्स्थ और ट्वेल्थ भी डेथ नहीं देते हैं, लेकिन डेथ लाइक अगर डेथ के साथ कॉम्बिनेशन है उसका दूसरे भावों के साथ, तो फिर वो एड करते हैं डेथ इन्फ्लिक्ट करने में। मंगल का सब लॉर्ड है शनि। शनि का सिग्निफिकेशन है 8, 9 बाधक स्थान, 10, 10 जो है जीवन दान के लिए, लॉन्गविटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और 7 और 6। ये तो क्लियर हो गया कि मंगल फर्स्ट सब लॉर्ड क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, और जिंदगी लंबी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब ये तो हमने देख लिया, पहले हमने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे कैसे हम जज करते हैं लॉन्गविटी कितनी बड़ी है। ये सरकार ऑलरेडी करीब करीब 5 महीने चल चुकी है, अब हमें देखना है कि लॉन्गविटी कितनी प्रॉमिस्ड है। बालारिश तो नहीं प्रॉमिस्ड है, बालारिश का टाइम निकल गया, शॉर्ट लॉन्गविटी है। शॉर्ट लॉन्गविटी मतलब 17-18 महीने से कम होती है। अब देखिए अभी प्रेजेंटली क्या, अब हम आते हैं दशा महादशा। शॉर्ट लॉन्गविटी में दशा महादशा, कौन सी दशा दशा अंतर दशा आएगी कि सरकार को जो है गिरा देगी। अभी देखिए केतु में चल रहा है, अभी केतु में चल रहे हैं राहु, केतु में राहु चल रहा है। राहु इज सिग्निफिकेटर ऑफ द फर्स्ट हाउस, ठीक है, इसीलिए सरकार चल रही है। बट राहु इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मरकरी। राहु चूंकि वो बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध की राशि में राहु बैठे हुए हैं, इसलिए मरकरी का भी वो काम करेंगे। टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स हम खोलते हैं और हम देखते हैं राहु, देखिए फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन वो राहु हर कुछ वो करेगा जो कि मरकरी करेगा। मरकरी इज अ वेरी स्ट्रांग सिग्निफिकेटर ऑफ द सेवेंथ हाउस, ठीक है, एंड इट इज अ स्ट्रांग सिग्निफिकेटर ऑफ द सेकेंड हाउस। तो 2 और 7 क्या है लॉन्गविटी में? मारक स्थान। तो राहु भी जो है मार्केश का काम करेगा, लेकिन फर्स्ट को भी कर रहा है, इसीलिए भी सरकार चल रही है। मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को दे दिया राहु में, शायद ना गिरे। वैसे तो मेरा, मैंने अपने मन में प्रेडिक्शन बना रखा था, उसको हमने पब्लिश नहीं किया था कि ये सरकार जो है ये सूर्य की प्रत्यंतर दशा जब आएगी मई में, तो ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना पड़ जा रहा है कि ये कोरोना आ गया, कोरोना के चलते सारे दुनिया का, भारतवर्ष का ही नहीं, सारे दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हो गया है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो इसलिए शायद ये बच जाए, लेकिन कितने दिन तक जो है बचेगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो ये जुलाई में खत्म हो जाएगी। जुलाई में राहु की अंतर दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर केतु, केतु में फिर जो है वो देखिए गुरु की अंतर दशा शुरू हो जाएगी। अब गुरु क्या सिग्निफाई कर रहा है, लेट अस ओपन द टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स। देखिए गुरु सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर है, ठीक है ना, एट्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, इलेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। सेवेंथ, एट्थ, गुरु इज अ किलर, केतु गुरु, ठीक है,
केतु गुरु में सरकार तो गिरनी ही गिरनी है, कब गिरनी है? नाइन्थ हाउस का हमें इंतजार करना है। नाइन्थ हाउस क्योंकि बाधक स्थान ऑल्सो हैज टू ज्वाइन द ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ। नाइन्थ हाउस का रोल जब आएगा तभी जो है डेथ होती है। तो नाइन्थ हाउस कब आएगा? नाइन्थ हाउस आएगा, देखिए नाइन्थ हाउस आएगा ये अगले साल जो है फरवरी में नाइन्थ हाउस सूर्य की प्रत्यंतर दशा आ जाएगी, लेकिन उसके पहले भी सरकार गिर सकती है। उसका कारण क्या है? देखिए केतु महादशा लॉर्ड जो है, महादशा लॉर्ड, इस पर ये कर्सर को फॉलो करके यहाँ केतु आ जाइए, या केतु का सब लॉर्ड देखिए कौन है। केतु का सब लॉर्ड जो है सूर्य है। सब लॉर्ड इज द अल्टीमेट बॉस, आप लोगों को मालूम है केपी में, और सूर्य नाइन्थ हाउस को सिग्निफाई करता है। तो ये सरकार जो है, हमारे प्रोबेबल डेट्स जो है, मई तो शायद ये बच के निकल जाएगी। एक प्रोबेबल डेट हमारे हिसाब से जो है, ये प्रोबेबल डेट हमारे हिसाब से एक ये करीब करीब अगस्त अगस्त के पास आएगी। ये अब सैटर्न का पीरियड रहेगा। सैटर्न भी नवे हाउस नाइन्थ को सिग्निफाई करता है, बाधक है, बहुत स्ट्रांग नहीं लेकिन बाधक है। केतु तो ऑलरेडी जो है नाइन्थ को सिग्निफाई करता है थ्रू इट्स सब लॉर्ड। सेवन्थ को सिग्निफाई करता है, नाइन्थ को सिग्निफाई करता है थ्रू इट्स सब लॉर्ड। तो ये तो बिल्कुल जो है ये पका हुआ मामला है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रांगली स्ट्रांग इंडिकेशन जो है, इस साल अगर ये बच गई तो अगले साल जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर में सरकार गिर जाएगी। एक चीज और नोट करने की बात है, देखिएगा जब हम लॉन्गेविटी की बात कर रहे हैं, ये कितने ग्रह जो है सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर, देखिए आप यहाँ पर मारक स्थान सेवेंथ हाउस के कितने ग्रह हैं सिग्निफिकेटर हैं? चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, केतु, 1 2 3 4 5 6 छह ग्रह सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर हैं। बुध जो है सेकंड हाउस का भी सिग्निफिकेटर है। तो सरकार का तो बचने का जो है ना, कोई बचने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब वो कोई शायद चांस नहीं है बचने का। तो अब क्या कहा जा सकता है? ये देखिए आपके सामने एस्ट्रोलॉजिकली है, तो इसको हमारे ख्याल से अगर बहुत ही हमारा इसमें कोई ऐसी चीज है जो छिपी हुई है जो मुझे नहीं नजर आ रही है, तभी सरकार बच सकती है। लेकिन अभी तक जो हमने प्रेडिक्शंस किए हैं उसमें तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब आए हैं तो सरकारें गिर ही गई। हमने इसके पिछले वीडियो में वो मैं दिखाना भूल गया था। अच्छा मैं आपको वो चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, मुझे आपको एक सेकंड का टाइम देना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा न्यू शेयर में जाना पड़ेगा मुझे, और ये नोट्स में खोल देता हूँ आपके सामने। देखिए ये महाराष्ट्र उद्योग किसके, हमने शॉर्ट में नोट्स बना दिया है यहाँ पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे की 28/11/19 को बनी है, 6:43:30 मुंबई में। ये सब लॉर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, व्हाट असेंडेंट सब लॉर्ड प्रॉमिसेस को देखिए, और ये हम जो है जो जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं वो देखिए हमने लिखा है। हाउएवर इफ राहु द प्रेजेंट भुक्ति लॉर्ड व्हिच इज आल्सो सिग्निफाइज्ड वन अलाउज द गवर्नमेंट टू क्रॉस 2020 देन इन अर्ली 2021 इन द फर्स्ट क्वार्टर व्हेन केतु जुपिटर सन सेट्स इन गवर्नमेंट मे फॉल। अच्छा अब देखिए पिछले वीडियो में हमने आपसे एक वादा और किया था, मैं उसको डिस्कस करना भूल गया था। ये सामने देखिए सरकारें चलती कैसी हैं, पूरी सरकार, ये तो जहां गड़बड़ आ रहा है वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ आपके साथ। सरकारें गिर रही हैं बिफोर द टाइम। ये देखिए ये ऊपर नरेंद्र मोदी की पहली सरकार जो थी 2014 वाली, ये उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में स्वेरिंग इन टाइम के हिसाब से 26/5/2014 को सरकार बनी थी, 6:12 शाम को। असेंडेंट सबलॉर्ड वाज मून, ये भी चार्ट अभी खोल के दिखाऊंगा आपको। असेंडेंट सबलॉर्ड वाज मून सिग्निफाइंग 6/9/1/12। लिब्रा असेंडेंट था तो बाधक साइन, बाधक हाउस जो है 11वां भाव था। मून फर्स्ट सबलॉर्ड सिग्निफाई 6 को सिग्निफाई करता है, 9 को सिग्निफाई करता है, 1 को, 12 को। 6 अच्छा नहीं होता है सरकार के सेहत के लिए, 12 भी अच्छा नहीं होता है सरकार के सेहत के लिए, ठीक है। 9 अच्छा होता है अगर वो बाधक स्थान नहीं है तो, 9 अच्छा होता है, 1 अच्छा होता है। सरकार अपनी पूरी टर्म चली, लेकिन 6 और 12 के जो सिग्निफिकेशन हैं
आपने देखा होगा कितनी प्रॉब्लम्स आई मोदी सरकार को है, नो कॉन्फिडेंस मोशन तक, और दुनिया भर की बातें हुई, ऑपोजिशन बिल्कुल जान लेकर जान से पीछे पड़ा रहा, लेकिन सरकार पूरे टर्म तक चली। ठीक है, अब हम इस चार्ट को जो है ना ये बंद करके फिर मैं आपके सामने मोदी सरकार के चार्ट को खोलूंगा। ये न्यू शेयर में जाता हूँ मैं, न्यू शेयर में इसको खोलता हूँ और मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए। मैं मोदी सरकार, मोदी 2014 का चार्ट आपके सामने मैं भी खोल रहा हूँ। देखिए ये हमने लिखा हुआ है मोदी गवर्नमेंट 2014 लॉन्गेविटी, ये अभी खुल जाएगा आपके सामने, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। बहुत लंबे वीडियोस के फेवर में अब मैं नहीं हूँ क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं। देखिए मोदी सरकार जो है ना, मोदी गवर्नमेंट लॉन्गेविटी, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज 26/5/2014 एट 6:12 नई दिल्ली। ठीक है, ये चार्ट सामने है, यहाँ कर्सर को फॉलो कीजिए। फर्स्ट का स्पेल सब लॉर्ड क्या है, मून है। ठीक है, क्या मून सातवें का सब लॉर्ड है, नहीं है, जैसा कि अन्य चार्टों में हमने देखा था। ठीक है, क्या मून के स्टार, मून के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ, हाँ मून के नक्षत्र में प्लैनेट सन बैठा हुआ है। मून हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी जो है डेथ गिविंग हाउसेस से कनेक्शन मून का नहीं है। ठीक है, लाइफ गिविंग हाउसेस 1 और 9 से कनेक्शन है, 1 तो होता ही है लग्न से कनेक्शन, सिग्निफिकेटर है मून उसका, 9th का भी सिग्निफिकेटर है, 9th कोरोनेशन के लिए अच्छा माना जाता है, एक्सेप्ट 9th जहां फिक्स्ड हाउसेस होते हैं वहां 9th बाधक स्थान होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मूवेबल और डुअल साइंस के लिए 9th इज अ गुड हाउस। ठीक है, 9th कोरोनेशन को सिग्निफाई करता है, सरकार बनने में 9th का रोल होता है। तो इसीलिए देखिए आप, और मोदी जी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की पिछली सरकार, पूरे समय जो है 5 साल उन्होंने अपना निकाला, तकलीफ से निकाला, इसलिए कि 6 और 12 जो है से कनेक्शन असेंडेंट सब लॉर्ड का। तो नोट्स भी हमने आपके सामने रख दिया और एनालिसिस भी दे दिया, हमें लगता है कि आप क्लियर हो गया होगा एनालिसिस। अब तो काफी चार्ट हमने डिस्कस कर दिए। अब देखिए ये उद्धव ठाकरे की सरकार कब तक चलती है, रोज कुछ अच्छे रिपोर्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। आज भी कुछ महाराष्ट्र में कुछ दंगे वंगे हुए हैं, कुछ और भी बहुत सारे, रोज कुछ कुछ महाराष्ट्र की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप जो है महाराष्ट्र पर भी है, थोड़ा ठाकरे साहब जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, और कोरिशन की सरकार है, इसलिए हमें लग रहा है कि भविष्यवाणी ये ठीक ही हमारी होनी चाहिए। जहां ये सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ध्यान जहां हटा कोरोना से कि उधर जहां ध्यान गया, तो देखिए कुछ ना कुछ होगा एक्शन, या तो फिर पार्टनर्स से जो है खुद ही इनकी पटरी नहीं बैठेगी, अभी ऐसा ऑलरेडी महसूस सुनने में आ रहा है। एनीवे वी आर ओनली कंसर्न विद द एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस। आप लोगों ने वीडियो देखा, धन्यवाद, और अपना फीडबैक दीजिएगा, और फर्दर इसके बाद अब हम सरकारों के वीडियो को बंद करके फिर थोड़ा कोरोना पे वापस आते हैं, जो भी लेटेस्ट पोजिशन है 1-2 दिन में उन पर वीडियो डालूंगा। उसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स केपी पर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जैसे रोल ऑफ सब लॉर्ड इन केपी, रोल ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कैसे अपना पार्ट प्ले करते हैं, डे टू डे इवेंट्स में जो है रूलिंग प्लैनेट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केपी, रूलिंग प्लैनेट्स का क्या रोल रहता है, और बहुत कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैरिज है, मैरिज कैसे होती है डिनाई होती है, चाइल्ड बर्थ कैसे होती है डिनाई होती है, नौकरी कैसे मिलती है, नौकरी कैसे जाती है, ये सारे जो है कुछ टॉपिक्स हैं। हम एक एक दो दो केस लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ट्यूटोरियल वीडियोस जैसा हमने बताया था कि मैं बना रहा हूँ, जैसे ही हमारा हो जाएगा मैं लॉन्च करूँगा। आप लोगों से सिर्फ निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, नहीं भी इंटरेस्टेड है तो
मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि नॉन एस्ट्रोलॉजर्स को भी समझ में आता होगा कि भविष्यवाणी आखिर है क्या हो रही। हाँ, जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो जो इंटरेस्टेड हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखने में, केपी और वैदिक दोनों, और मैं दोनों करता हूँ, आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और बस थैंक यू, नमस्ते और शुभ रात्रि। प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। May God bless you all. Good night.